सागर घटना मामले पर बीजेपी विधायक प्रदीप लारिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, मुख्यमंत्री चुनावी व्यस्तता के बीच पीड़ित परिवार से मिले। घटना जब हुई तब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय आधी अधूरी रिपोर्ट लिखी गई। समय पर उचित कार्रवाई हो जाती तो मामला आगे नहीं बढ़ता। उस समय धन प्रसाद के साथ भी घटना हुई, लेकिन कोई भी कांग्रेस का पदाधिकारी या मुख्यमंत्री वहां नहीं पहुंचा था। कांग्रेस का दलित प्रेम तब कहां चला गया था? कांग्रेस के लिए SC ST वर्ग दलित वोट बैंक के रूप में है। कोई रस की बात करता है, कोई टंच माल की बात करता है। छिंदवाड़ा अलीराजपुर में बेटियों के साथ घटनाएं हुई, तब कांग्रेस का दलित प्रेम नहीं जागा। उन्होंने कहा, दिग्विजय से पहले भी परिवार के पास गए थे और राखी बंधवाने की बात कही थी, लेकिन राखी तो दूर, उसके बाद गए ही नहीं। लड़की को बलात्कार का विरोध करने पर जिंदा जला दिया जाता है, लेकिन कांग्रेस के लोगों की संवेदना नहीं जागती। शिवपुरी में वाल्मीकि समाज के दो बच्चों की निर्मम तरीके से पीट पीट कर मार दिया जाता है, इनका हृदय नहीं पिघलता। दतिया में बलात्कार होता है, लेकिन ना मैडम सोनिया, प्रियंका, राहुल गांधी जी को इसका संज्ञान लेते हैं, मौन व्रत धारण कर लेते हैं। कांग्रेस के शासनकाल में ये अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार राजस्थान में दलितों पर लगभग 8,000 हमलों के केस दर्ज हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के कोई बयान इस पर नहीं आते। अभी जीतू पटवारी जी और दिग्विजय सिंह जी गए थे, और जब वो पहले भी दिग्विजय सिंह जी गए थे तो उस समय उन्होंने राखी बंधवाने की बात कही थी, लेकिन उस घटना के बाद से लेकर अब तक वो परिवार कैसा है, कैसे रह रहा है, इसके बारे में दिग्विजय सिंह जी ने जानने का प्रयत्न नहीं किया। कुल मिलाकर कांग्रेस के लोग ये राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। मूल में इनको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से कोई मतलब नहीं है। यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास की कोई बात करता है, दलित समाज को क्या चाहिए, आदिवासी समाज को क्या चाहिए, उसका पक्का मकान बन जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाती है।